नमस्कार, पंजाब केसरी डॉट कॉम देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुज यादव। दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी है। एक तरफ बीजेपी केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी बीजेपी को दिल्ली से उखाड़ फेंकने की बात कह रही है। बता दें, दिल्ली में एमसीडी चुनाव के लिए प्रचार थम चुका है। इस बीच सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए बीजेपी के वोटर को थका हुआ बता दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, यही वजह है कि लोग उनके खिलाफ गुस्से में हैं। एमसीडी चुनाव के नतीजे को लेकर केजरीवाल ने कहा, आम आदमी पार्टी आराम से चुनाव जीत रही है। उन्होंने कहा कि हम 230 वार्ड जीत रहे हैं। केजरीवाल ने बताया कि पहले दिल्ली को साफ करने के लिए कदम उठाएंगे और भ्रष्टाचार दूर करना हमारा लक्ष्य होगा, इसमें हम माहिर हैं। बीजेपी के भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनको कोई सीरियस नहीं लेता। बता दें, 4 दिसंबर को दिल्ली में एमसीडी के चुनाव होने हैं, 7 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आने हैं। दिल्ली में कुल 250 वार्ड पर चुनाव हो रहे हैं, इससे पहले कुल 272 वार्ड थे, लेकिन तीनों निगमों को एक करने के बाद इनकी संख्या 250 कर दी गई। बहरहाल, आम आदमी पार्टी जीतने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। आम आदमी पार्टी के युवा नेता राघव चड्ढा बीजेपी को साफ करने की बात कर रहे हैं। वो जनता से अपील कर रहे हैं कि दिल्ली की जनता बीजेपी को साफ करे, दिल्ली को हम मिलकर साफ कर देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15 साल में कोई काम नहीं किया, हाल इस कदर है कि लेंटर डालने के लिए बड़ी रैंक के अधिकारियों को भी पैसा देना पड़ता है, हम इसे समाप्त करेंगे। इसी के साथ आप देखते रहिए पंजाब केसरी.com और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।